दे रही हैं। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रही हैं। कन्या को लाल चुनरी उड़ाकर किस तरीके से माला पहनाई गई है और साथ ही कन्या पूजन यहां पर किया जा रहा है। आज नवरात्र का नौवां दिन है, आज महानवमी है और आज के दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। और ऐसे में देखिए आप देख पा रहे हैं एक बाल प्रेम जो है वो सीएम योगी की आंखों में दिखाई दे रहा है और वो अच्छे से बात भी सभी की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कन्या पूजन कर रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कन्याओं के किस तरीके से यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज महानवमी है और महानवमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तिलक लगाकर, चुनरी उड़ाकर और भेंट देकर रिझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक बाल प्रेम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर वक्त देखने को मिलता है, चाहे वो जनसभाएं कर रही हो या फिर वो बच्चों से जब मिलते हैं तब वो उनकी आंखों में एक अलग ही तरीके से दिखाई देता है। और आज भी यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रही हैं और कन्याओं को भोजन यहां पर करवाया जाएगा। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं एक एक कर सभी जो कन्याएं पहुंची हैं। और ऐसे में सभी के चरण को धुलाकर और उसके बाद तिलक लगाकर पूजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रही हैं और ये बाल प्रेम जो उनकी आंखों में दिखता है वो हमेशा इसी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनरी उड़ाकर कन्याओं को भेंट देकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और एक एक कर सभी बच्चियों को बुलाया जा रहा है कन्या पूजन के लिए। और देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये जो कन्याएं हैं वो तैयार होकर आई हैं कन्या पूजन के लिए। ये भी तस्वीरें मनमोहक तस्वीरें हैं। और आज महानवमी है और महानवमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कन्या पूजन कर रही हैं। और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं जहाँ पर कन्याओं का पूजन, तिलक उन्हें किया जा रहा है, उन्हें माला पहनाई जा रही है, साथ ही चुनरी भी उन्हें उड़ाई जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद देती हुई कन्याएं नजर भी आ रही हैं। एक एक कर सभी कन्याओं को यहां पर बुलाया जा रहा है और चुनरी उन्हें उड़ाई जा रही है और भेंट उन्हें किया जा रहा है। साथ ही देखिए नवरात्रि का दिन है और आज नवरात्रि का अंतिम दिन यानी महानवमी है आज। और महानवमी के दिन कन्याओं को पूजा जा रहा है, कन्याओं के चरण को धुलाकर, चरण स्पर्श कर मुख्यमंत्री उनका आशीर्वाद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तिलक कर माला पहनाकर और चुनरी उड़ाकर मुख्यमंत्री कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं गोरखनाथ मंदिर में। नवरात्र स्थापना की गई थी और उसके बाद आज घट स्थापना के बाद आज कन्याओं का पूजन किया जा रहा है और एक एक कर सभी कन्याओं को बुलाया जा रहा है। और ये जो दृश्य है वो बेहद ही मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री बालिकाओं के प्रति जो उनका प्रेम है, जो बाल प्रेम है उनका, वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ और भी कई संत यहाँ पर मौजूद हैं। कन्याओं का पूजन कर उन्हें भेंट किया जा रहा है, साथ ही अब से कुछ देर बाद कन्याओं को भोजन भी करवाया जाएगा।
महानवमी का दिन है आज, और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। और माँ सिद्धिदात्री हर तरह की सिद्धियाँ देने वाली माँ है। और ये देखिए, यहाँ पर तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री चुनरी उड़ा रहे हैं कन्याओं को, चुनरी उड़ाकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, तिलक उन्हें कर रहे हैं और भेंट उन्हें दी जा रही है। और ये सभी तस्वीरें जहां चरण धुलाकर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और तिलक कर रहे हैं वो कन्याओं का। और आज देखिए, कन्याओं को भोजन करवाया जा रहा है, महानवमी है आज, और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। घट स्थापना गोरखनाथ मंदिर में की गई और उसके बाद आज कन्याओं का पूजन भी किया जा रहा है और उन्हें भेंट भी दी जा रही है। और कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। देखिए, छोटी छोटी कन्याएं जो हैं वो पहुंच रहे हैं एक एक करके। कन्याओं में भी एक अलग ही तरह की जो जिज्ञासा है वो देखने को मिल रही है, एक अलग ही तरह का उत्साह भी इसे कहा जा सकता है। और मुख्यमंत्री भी बड़े ही भाव के साथ पूजन करते हुए कन्याओं का नजर आ रहे हैं, उन्हें तिलक लगाकर, माला पहनाकर और चुनरी उड़ाते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद कन्याओं को भोजन भी करवाया जाएगा और ये भेंट मुख्यमंत्री की। और देखिए, सभी कन्याओं के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री, जिस तरीके से कहा जाता है कि कन्याओं के साथ भैरवनाथ की भी पूजा यहाँ पर की जाती है, और ऐसे में मुख्यमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और कन्याओं को अब से कुछ देर बाद भोजन भी खिलाया जाएगा। और देखिए, आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में ये कार्यक्रम रखा गया है आज, जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें भी आपको सीधा दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर से, जहाँ पर कन्या पूजन किया जा रहा है और भेंट भी यहाँ पर दी जा रही है। और अब से कुछ ही देर बाद कन्याओं को भोजन भी करवाया जाएगा। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आज महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में गोरखनाथ मंदिर में घट स्थापना की गई। और घट स्थापना के बाद आज महानवमी के दिन कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं लगातार, आपको ये तस्वीरें जहाँ पर कन्याओं को अब से कुछ देर बाद भोजन करवाया जाएगा, और एक एक करके ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री का जो बाल प्रेम है वो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के जरिए साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से नवरात्र स्थापना के दिन भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और अब आज नवमी का दिन है, महानवमी है, और आज भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सबको निर्देशित करते हुए नजर आए कि किस तरीके से कन्याओं को भोजन करवाया जाए। और एक एक करके अब कन्याओं को यहाँ पर भोजन करवाया जा रहा है। कन्या पूजन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया और अब कन्याओं को भोजन खिलाया जाएगा। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर बड़े ही भाव के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर सभी कन्याओं को भोजन यहाँ पर खिलाया जाएगा। और ऐसे में घट स्थापना के बाद आज महानवमी के दिन सभी कन्याओं का पूजन किया जा रहा है और उन्हें एक एक कर यहाँ पर भोजन भी करवाया जाएगा। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर कन्याओं का पूजन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। देखिए, अलग ही तरह का उत्साह जो है वो कन्याओं में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, एक अलग ही तरह का जो भाव है वो भी मुख्यमंत्री में देखने को मिल रहा है। और आज माँ सिद्धिदात्री हर सिद्धि को देने वाली, सिद्धि को प्राप्ति देने वाली, हर मनोकामना पूर्ण करने वाली। और ये देखिए, यहाँ पर बच्चियों को, कन्याओं को भेंट किया गया और साथ ही कन्या पूजन भी किया गया है।
गोरखनाथ मंदिर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। तिलक लगाकर, माला पहनाकर, चुनरी उड़ाकर कन्याओं का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और कन्या पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और पूजा भी यहाँ पर की जा रही है। महानवमी का दिन है और ऐसे में गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन का एक कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे। और देखिए, इस बार की बात नहीं है, हर साल मुख्यमंत्री साल के जो दो नवरात्रे होते हैं उन दोनों नवरात्रों में गोरखनाथ मंदिर में घट स्थापना की जाती है। और घट स्थापना के बाद मुख्यमंत्री महानवमी के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें भोजन करवाते हुए नजर आते हैं। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करते हुए दिखाई दिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भाव है बच्चियों के प्रति, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। एक अलग ही तरह का भाव मुख्यमंत्री में देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं जहाँ पर कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। और ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री हर साल कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन करवाते हैं। साल के दोनों जो बड़े नवरात्रे हैं उन दोनों बड़े नवरात्रों में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं गोरखनाथ मंदिर और गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया जाता है। और देखिए, बच्चियों को खाना खिलाया जा रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अब कन्याओं को खाना खिलाया जा रहा है, उन्हें भोजन करवाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक एक करके सभी बच्चियों को खाना खिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कन्याओं का पूजन किया और अब उन्हें भोजन करवाया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन का ये पूरा कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और आज उन्होंने कन्या पूजन भी किया है। एक एक करके तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री कन्या पूजन कर रहे थे। जननी माँ भगवती की सिद्धिदात्री रूप में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के रूप में मनाया जाता है। नवमी के इस पावन पर्व के साथ आज पूरे देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है वे सब जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर जगतजननी माँ भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों के प्रतीक स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पूजन की एक पवित्र परंपरा भी है और गोरखपीठ की इस पवित्र परंपरा के अनुरूप इस कार्यक्रम के साथ इस बार भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन नौ स्वरूपों स्वरूप कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि जो सनातन धर्म की यह समृद्ध परंपरा है, यह पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उमंग के साथ पूरे देश के अंदर इस परंपरा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। शक्ति आराधना की प्रतीक, आधी आबादी के प्रति सम्मान का भाव रख रहे हैं। भारतीय समाज वैसे भी प्राचीन काल से ही इस बात को मानता रहा है कि जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। स्वाभाविक रूप से यही मान्यता जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता रही है कि यत्र नारिस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां पर स्वयं दैवीय शक्तियां विराजमान होकर के उन मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। और ये हम सब के लिए
यह एक गौरव का क्षण है जब हम शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि में 8 दिनों के अनुष्ठान के उपरांत आज कुंवारी कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ यहाँ गोरक्षपीठ के साथ में जुड़ रहे हैं। यहाँ की एक आदि परंपरा है, सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए हैं, उनका यहाँ पर अभी पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब इसके बाद उनका भंडारा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी की पूजन के उपरांत कल विजयादशमी का पावन पर्व भी है। विजयादशमी प्रभु श्री राम का रावण पर विजय के उल्लास का पर्व है। स्वाभाविक रूप से जब शक्ति की साधना होगी तो सिद्धि के रूप में विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। दूसरा, जो समाज अपनी आधी आबादी का सम्मान करेगा, उसका सशक्तिकरण करेगा, वह समाज स्वयं ही विजय श्री को वरण भी करेगा। यह पर्व इस बात की भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग नवरात्रि के नवमी तिथि पर जगतजननी माँ भगवती के इन पावन 9 स्वरूपों के दर्शन और उनके पूजन के अनुष्ठान के साथ जुड़ रहे हैं, मैं पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान करूंगा कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा कितनी पवित्र और कितनी उदात्त रही है कि उसने हर महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार को समाज को आगे बढ़ने, एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम बनाया है। शारदीय नवरात्रि आधी आबादी के सम्मान का, उनकी सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान कर रहा है। आधी आबादी का सम्मान होगा, उनका सशक्तिकरण होगा, तो समाज स्वयं ही समर्थ और सशक्तिमान और सामर्थ्यमान होगा। भारतीय मनीषा ने वैसे ही नहीं कहा कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये दैवीय शक्तियां वहीं बसेंगी जहां उस प्रकार के अनुकूल वातावरण हो और इस वातावरण के लिए उस प्रकार का माहौल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आधी आबादी स्वयं सुरक्षित हो जाएगी तो पूरे समाज की सुरक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है। और विजयादशमी का ये पर्व कल हम सबको 9 दिनों की इस अनुष्ठान के बाद प्राप्त होने वाली सिद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली विजय के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की उस समय के त्रेतायुग के एक बलशाली राजा जो अधर्म असत्य का प्रतीक था, अन्याय का प्रतीक था, उस रावण पर विजय का एक उत्सव भी है। और यही कारण है कि पूरे देश के अंदर कल जहां एक ओर प्रभु श्री राम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी रामलीलाओं के माध्यम से प्रभु राम के राज्याभिषेक के आयोजन के साथ जुड़ेगा, उनका अनुष्ठान के साथ जुड़ेगा, वहीं दूसरी ओर रावण के पुतले भी दहन करने का एक
लंबी परंपरा इस अवसर पर हर सनातन धर्मावलंबी की परंपरा में देखने को मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों को आदि शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े हुए इस पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ, विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि माधी आबादी को सामर्थ्यवान बना करके उनके सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा करते हुए अगर हम सब मिलकर के कार्य करेंगे तो अवश्य ही हमारा भारतीय समाज, हमारा प्रदेश एक समर्थ प्रदेश के रूप में उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जो प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने में सक्षम होगा। पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं।